विवेक अग्निहोत्री द कश्मीरी फाइल्स के जरिए कश्मीरी पंडितों की कहानी बताने के बाद मानवता से जुड़े एक और मुद्दे पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। 32 साल पहले कश्मीरी घाटियों में हुए नरसंहार की दर्दनाक कहानी को जागर करने के बाद अब विवेक अग्निहोत्री ऐसी फिल्म बनाने की इच्छा जता रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर ICMR तक का जिक्र होगा। निर्देशक ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि मैं मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि पर फिल्म बनाने के लिए बहुत प्रेरित हूँ। मुझे भी बहुत गर्व है कि भारत ने ऐसा किया। दरअसल भारत ने नया कीर्तिमान बनाया है। देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के आंकड़ों को पार कर लिया है। इस बड़े आंकड़े को पार करते ही विवेक अग्निहोत्री ने इशारों में अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। निर्देशक ने लिखा, ICMR के वैज्ञानिकों को एक बड़ा सलाम जिन्होंने बिना ज़्यादा साधनों के कम से कम समय में वैक्सीन बना ली। नरेंद्र मोदी को भी एक बड़ा सलाम जिनके गतिशील और निर्णायक नेतृत्व के बिना यह संभव नहीं होता। फ्रंटलाइन वर्कर्स को एक बड़ा सैल्यूट। बता दें कि विवेक अग्निहोत्री ने उपरोक्त ट्वीट को कोट करते हुए फिल्म बनाने की बात कही, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है निर्देशक दिल्ली फाइल्स के बाद COVID-10 वैक्सीनेशन ड्राइव पर फिल्म बनाएंगे जिसमें नरेंद्र मोदी से लेकर ICMR तक का जिक्र होगा। इतना ही नहीं, विवेक अग्निहोत्री ने अपने प्रशंसकों से इस फिल्म के लिए टाइटल सुझाने की भी बात कही। निर्देशक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, क्या मुझे इस पर फिल्म बनानी चाहिए? अगर हाँ तो इसका शीर्षक क्या होना चाहिए? ऐसे ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें।